हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, और अब तक हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स कर लिए हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 13th है, 13वां पार्ट है। इस चैप्टर में टोटल 25 लेक्चर हैं जिनके अंदर मैं पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंटेशन और पूरा पूरा जो नंबर सिस्टम है उसको कराने वाला हूँ। तो आज का ये पार्ट 13 है, आगे भी सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग अभी हाल ही में नंबर कन्वर्जन को स्टार्ट किए थे, जो कि हमारे इंटीजर टाइप वाले नंबर्स होते हैं उनको पढ़ रहे थे। तो ये इंटीजर वाला पोर्शन खत्म करने के बाद हम लोग फ्रैक्शनल कन्वर्जन को स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शनल का मतलब होता है जहाँ पर पॉइंट आता है नंबर्स के बीच में, दशमलव आता है, डेसिमल आता है, तो उन वाले को करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करने वाले हैं, जानेंगे कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ इस कन्वर्जन को करने के लिए कुछ रूल्स और एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहें तो आपको इस चैप्टर के नीचे, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर विजिट करके आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। और अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहो तो सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल पर विजिट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हो द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का जो पार्ट नंबर सेकंड था ना, तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर्स को कैसे लिख सकते हो, वो भी ट्रिक के साथ आपको बताया था। तो पहले आप उस पार्ट को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, तभी आपको ये ऑक्टल टू बाइनरी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्जन हम यूज करेंगे, कन्वर्जन को करेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी में किस नंबर को क्या कहते हैं, जैसे कि 5 को में क्या लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, 9 को क्या लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का कन्वर्जन कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैप्टर पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर, और फिर आप इसको देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, आपको जो मैं एग्जांपल्स देने वाला हूं वहां पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में, तो आप पहले मेक श्योर करिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहना क्या आता है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है। तो जैसे आपके एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपके पास एक वैल्यू दी होगी और उसके नीचे उसका बेस दिया होगा, जैसे हमारा ऑक्टल है तो ऑक्टल का बेस होता है 8, तो नीचे 8 लिखा होगा, और सामने एक एरो बना होगा, एक दूसरी वैल्यू निकालनी होगी, ये आपको निकालनी होगी, तो ये आपको फाइंड करनी होगी, और यहाँ पर इसका बेस दिया होगा जैसे मान लेते हैं बाइनरी। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आपको उसका बेस नंबर देख करके पता करना होगा कि वो नंबर किस तरीके का है और आपको आउटपुट में, आपको आंसर में क्या लाना है। तो जैसे 8 है तो 8 का मतलब है ये हमारा ऑक्टल नंबर है, 8 की जगह पर अगर 10 होता तो ये डेसिमल नंबर होता, अगर 2 होता तो बाइनरी होता, और अगर 16 होता तो ये हमारा हेक्साडेसिमल होता। तो आपको ये देख करके समझ जाना है कि भाई ये हमारी ऑक्टल वैल्यू है, ये हमारी बाइनरी वैल्यू है, तो ऑक्टल से हमको बाइनरी में निकालना है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस तरीके के कन्वर्जन कैसे करे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, फिर थोड़ा बड़ा एग्जांपल, फिर थोड़ा बड़ा एग्जांपल। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 25 है, जो कि एक ऑक्टल नंबर है। अब ऑक्टल को आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान से स्टेप है, आपको इसके रूल्स वगैरह याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, रूल वगैरह कुछ होता नहीं है वैसा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 25 को थोड़ा दूर दूर करके लिख लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो 2 है 2 का आपको बाइनरी फाइंड करना है। अब ये जो आपका 2 है और जो 5 है, इन दोनों का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट जो होता है उसको निकालना है। तो अब आपको पता होना चाहिए भाई 2 को बाइनरी में क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 0 1 2 0, यहाँ 5 तक है तो हम 5 तक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट। इसके बाद में 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1।
तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, ये जो बाइनरी नंबर मैंने निकाले हुए हैं, ये हमने उस ट्रिक से निकाले हैं जो ट्रिक मैंने आपको सेकेंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में बताई थी। तो इस तरीके से बाइनरी नंबर निकाले जाते हैं। आपको भी सीखना है तो आप उस पार्ट को जरूर से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऑल इट इज, तो यहाँ पर हमारे पास दो है, तो दो को बाइनरी में क्या कहेंगे, 0010। और जब पाँच की बात करते हैं तो पाँच को बाइनरी में बोलते हैं 0101। तो ये लीजिए, हमने इस वैल्यू का बाइनरी नंबर निकाल लिया है। इस तरीके से बाइनरी नंबर निकाला जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल में से। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, ये जो आपके पास चार वैल्यूज आई हैं ना, आपको इन चार वैल्यूज में से जो लास्ट की तीन वैल्यू हैं, लास्ट की जो तीन वैल्यू हैं, इन तीन वैल्यू को यहाँ से उठा लेना है और आंसर में डाल देना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 010 ये वाली वैल्यू उठा ली और यहाँ से ये तीन जीरो, तो यहाँ पर 101। ये लीजिए, ये जो हमारा आंसर आया ना, यही हमारी बाइनरी वैल्यू हो जाएगी, 010 और 101। ऑलराइट गाइस, तो दूसरा एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका रिव्यू कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन होता है उसको आपको दूर दूर करके लिख लेना होता है, उसके बाद उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद आपको लास्ट के तीन नंबर्स को उठा लेना होता है और उसी को अपने आंसर में ऐड कर देना होता है। तो इस तरीके से ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल के लिए हम एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू 347, यहाँ पर तीन नंबर हैं। अब आपको तीन नंबर का सॉल्व करना है, तो अब ये कैसे करेंगे, तो भाई क्या करना है आपको, सबसे पहले 3, 4, 7 इन तीनों नंबरों को अलग अलग करके लिख लेना है। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन तीनों नंबरों का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है उसको निकालना है। तो चलिए फटाफट से उसको निकालते हैं। तो हमारे पास 0, तो ये लीजिए गाइस, इस तरीके से हमने इसका फिर से बाइनरी नंबर निकाल लिया है। ये सारा हमने ट्रिक से निकाला है, ट्रिक आपको जाननी है तो सेकंड पार्ट जरूर से देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए अब इसको हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 3 को बाइनरी में क्या कहेंगे, 3 को बाइनरी में बोलेंगे 0011, 0011। 4 को क्या कहेंगे, 4 को बोलेंगे 010100। ऑलराइट, इसके बाद 7 को बाइनरी में क्या बोलेंगे, 011। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर्स का बाइनरी नंबर निकाल लिया है। अब इसी को हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, 0011 और उसके बाद 0100, इसके बाद 0111। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो है 0011, फिर है 0100, उसके बाद 0111। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस, इस तरीके से ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया, चलिए एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिया 1524, ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलिए फटाफट से कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इन नंबरों को अलग अलग करके लिख लीजिए, अलग अलग करके लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद आपको इन सभी का बाइनरी निकालना है। तो चलिए बाइनरी निकालते हैं। बाइनरी निकालने का सिंपल सा तरीका, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 तक निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया ही, कैसे निकालना है आपको, इस तरीके से 0101, 0101, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से बाइनरी नंबर निकाला जाता है। भाई ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये मैं ट्रिक से निकाल रहा हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ। तो चलिए अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं। तो 1 को बाइनरी में बोलते हैं 0001, ठीक। 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं 0101। 2 को क्या बोलते हैं, 0010। 4 को बोलते हैं 0100। ऑलराइट, तो ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको 0001, 0101, फिर 0010 और 0100। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। इसको उठा करके हम ऊपर डाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को हम बोल देंगे ये हमारा बाइनरी का आंसर है। ऑलराइट गाइस, चलिए तो ये लीजिए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई एक बार आप इस चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है वहाँ पर मैंने आपको बताया नंबर कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द सीएस वाला पर अभी विजिट कीजिए।